हैदराबाद में चार मीनार, गोलकोंडा, गोल गुंबज, कुतुब शाही टॉम्स तो सुना होगा, तो ये भी उन्हीं में से एक है। कुतुब शाही डिनेस्टी के वक्त बनाया गया ये कमाने जो दिखाई दे रही है, ओल्ड चार मीनार से पहले इसकी तामीर की गई थी और अभी ये एकदम ख़राब हालत में है। यहाँ पर मतलब आना जाना बहुत लोगों का कम है। अभी तो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रीज़, दरख्तों, घास, सांपों और बंदरों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। अब मेरे साथ बने रहिए, यहाँ मैं आपको पूरी यहाँ की सैर करा देता हूँ। जो कमाने देख रहे हैं आप, यहाँ पर ही कभी किसी वक्त कुतुब शाह है, जो पहले कुतुब शाह की जो पहली फर्स्ट अव्वल है शहनशाह राजा जो थे, जो पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मूसा नदी, गोदावरी नदी इस तरफ से पूरा इनका था। चार मीनार जो हैदराबाद की शान है, हैदराबाद की पहचान है, वो भी कुतुब शाही डिनेस्टी में कुतुब शाह के जरिए बनाया गया। तो कुतुब शाह अव्वल जो थे, इसकी भी उन्होंने बुनियाद रखनी चाहिए, यहाँ पर भी बनाने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ से फिर सफ़र करके हैदराबाद की तरफ चले गए। कुतुब शाह का पूरा नाम भी इब्राहिम कुतुबुल मुल्क कुली कुतुब शाह नाम था। इन्होंने फिर चार मीनार को बनाया और गोलकोंडा, इसी से अपना वो हुकूमत पूरा सारा इंतज़ाम करते थे। ओल्डेस्ट प्लेस है ये भी, हैदराबाद से 80 किलोमीटर्स के फासले पर है। इनमें से अक्सर तो कमाने पूरी तरह से एकदम ढक चुकी है और कुछ एकदम गिर चुकी है, बहुत ही कम है रह चुकी है जो अभी भी सही हालात में है, या तो ऐसे नहीं कह सकते सही हालात, उस वक्त पता नहीं कैसे थी, लेकिन इतना है कि कमान मुकम्मल तौर से पूरी ठहरी हुई है अभी भी, जो आपको आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरी तरह से इत्मीनान से देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकॉन, साइड में जो बेल की घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए। ये ऊपर झाड़ पर देखिए, बंदरों को खेलते कूदते हुए देख सकते हैं आप। और कुली कुतुब शाह का नाम सुल्तान कुतुबुल मुल्क भी कहा जाता था, और ये बहुत ही लोकप्रिय और नेक दिल, रहम दिल बादशाह थे। सुल्तान अव्वल थे, बानी सल्तनत कुतुब शाही थे। उन्हें तेलुगु पसंद थी और तेलुगु और उर्दू में शायरों को बुलाकर मुकाबले करवाते थे, उन्हें इनाम देते थे। इसी वजह से इन्हें तेलुगु टाइटल से भी मालकी ब्रह्म और इब्राहमा चक्रवर्ती नाम से भी जाना जाता था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से ली गई है, और इससे आसान तरीका 4TV दास्तान दक्कन 4TV न्यूज़ चैनल पर भी मौजूद है, वहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। जैसा कि मैंने कहा कि सारी कमाने मैक्सिमम तो जो है दरख्तों घास फूस और पूरा सांपों और बंदरों ने अड्डा बना लिया, दरख्तों और घास फूस से पूरी ढकी हुई है, जिस तरह आप देख सकते हैं सामने, बहुत कम विजिबल है, और कुछ ही बची है जो अच्छी हालत में है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने तरफ से जितना नज़दीक से एक्सप्लोर कर सकता हूँ उतनी कोशिश की मैंने, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही जो है क्लियर दिख रही है और बाकी जो है अक्सर पूरा जंगल ने इसको ढक लिया है, पूरा झाड़, पेड़ पौधों, घास फूस और सांपों ने पूरा इसको कवर कर लिया है चारों तरफ से। तो जितना मुझे नज़दीक पहुंच सका मैंने उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ताकि व्यूवर्स को क्लियर दिखाई दे। और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इससे बेहतर क्या होना चाहिए था वो भी लिखिए।
और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच। चैनल का नाम है व्हाट डू यू लाइक, याद रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल के व्लॉग्स बनाता हूँ मैं, कभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कभी हिस्टोरिकल वीडियो, हिस्टोरिकल प्लेसेस के वीडियोस बनाकर अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अब इसके बाद गोलकोंडा जाकर गोलकोंडा में भी वीडियो शूटिंग करके वीडियो बनाने वाला हूँ मैं और अपलोड करूँगा इस पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिए।